फरीदाबाद स्थित ब्लैक होटल में महिला टैलेंट शो का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। टैलेंट शो में पहुंची सभी महिलाओं ने अपनी प्रतिभा को मंच के माध्यम से दर्शाया। इस शो में मुख्य रूप से अतिथि के रूप में पहुंची वरिष्ठ समाज सेवी सोनिया तनेजा ने महिलाओं की प्रतिभा को प्रोत्साहन देते हुए कहा कि आज के समय की हर महिला बेहतर गृहिणी होने के साथ साथ समाज में बेहतर प्रदर्शन कर देश के उत्थान में विशेष योगदान दे रही हैं। अगर उन्हें जरूरत है तो एक मंच की, जिसके माध्यम से वह अपने को बेहतर साबित कर सकती है। इसके साथ ही वरिष्ठ समाज सेवी सोनिया तनेजा ने महिला टैलेंट शो के जरिए वहां मौजूद सैकड़ों महिलाओं को निःशुल्क वीपैट भी वितरण किए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज पूरे भारत में प्रतिदिन यूट्रस कैंसर के काफी संख्या में मामले अस्पतालों के जरिए प्रकाश में आ रहे हैं, और इसकी मुख्य वजह है कि महिलाओं को मार्केट से सही सैनिटरी पैड नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से यूट्रस कैंसर की समस्या में प्रतिदिन इजाफा होता जा रहा है। महिलाओं की सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मार्केट में वी पैड को लॉन्च किया गया है, और स्कूल कॉलेजों विश्वविद्यालयों में छात्राओं को जागरूक कर निःशुल्क वेंडिंग मशीन लगाकर वी पैड को वितरण किया जा रहा है। मेरा नाम है सोनिया तनेजा और मैं हरियाणा से हूँ, फरीदाबाद में मैं रहती हूँ। हरियाणा में एक समाज सेवा के रूप में अक्सर आपको देखा जाता है, और जिस तरीके से आपने वी पैड लॉन्च किया है, तो इसके तहत आपने अब तक कहाँ कहाँ किन किन कॉलेजों और किन किन स्कूलों में आपने अपनी सेवाएँ प्रदान की और किस तरह से की? जी देखिए, बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, बहुत सारे सरकारी स्कूल हैं, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, जहां पर मैं पर्सनली खुद वी पैड द्वारा हम वेंडिंग मशीन्स जो होती है, जो सैनिटरी पैड की एक वेंडिंग मशीन होती है, वो हम स्कूल्स कॉलेजेस में फ्री इंस्टॉल करते हैं और उसमें पैड्स भी देते हैं, ताकि जिन बच्चियाँ या जो बेटियाँ इसको ख़रीद नहीं सकती, किसी के पास पैड्स के लिए पैसे नहीं है, तो उस वो वेंडिंग मशीन से अपना पैड लेके वो यूज़ कर सकती है। तो ये हम एक साथ साथ सेवा भी कर रहे हैं हर स्कूल्स में, हर कॉलेजेस में, और अभी तक हम 100 से ज़्यादा वेंडिंग मशीन फ्री इंस्टॉल कर चुके हैं हरियाणा में। क्या वेंडिंग मशीन का जो क्षेत्र है, क्या सिर्फ हरियाणा तक ही सीमित रहा? जी नहीं, जी बिल्कुल, अन्य जगह भी काफ़ी जगह हमने, जैसे पानीपत है, करनाल है, इसके साथ साथ चंडीगढ़ है, पंजाब है, लेकिन यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा हमने नहीं किया है। आगे कोशिश है कि हम यहाँ पर भी हर स्कूल हर कॉलेजेस में ज़रूर इसको पहुँचाएंगे। तो मैम, हरियाणा को ही प्रमुखता दी जाएगी आपके पास? बिल्कुल, देखिए भारत देश जो है वो हमारा देश है, भारत देश की बेटियाँ हमारी हैं, वो हमारी देश की बेटियाँ, हमारा मान सम्मान है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हरियाणा में इसको सीमित रखा जाएगा, ये पूरे देश में इसके लिए काम चल रहा है, बस थोड़ा सा समय लग रहा है और बहुत कोशिश कर रहे हैं हम जल्दी से जल्दी इसको पूरे भारत देश में इसको एक्सप्लोर करने की। आज आपके द्वारा सेमिनार किया गया और जिसमें कि कई महिलाओं को आपने खुलकर कई पैड्स के बारे में जानकारी दी, और साथ के साथ जो है आपने वी पैड के बारे में भी जानकारी दी, तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से। देखिए, हर घर में बेटी है, हर घर में माँ है, और बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ हैं जिसके बारे में हमारी बहन बेटियों को नहीं पता। मेंसुलेशन यानी महीना एक ऐसा है जो हर महीने हर बहन बेटी को आना है, तो इसके बारे में पूरी जानकारी और किस तरीके के प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए, किस साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, बहुत ही अहम बातें हैं जो बहन बेटियों को बहुत ज़रूरी है इसके बारे में एजुकेशन देना। तो आज मेरी कोशिश थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बहनों को इसके बारे में अवेयर कर सकूँ। और एक पैड है वी पैड, ये एक ऐसा पैड है मेरे हिसाब से हर बहन को यूज़ करना चाहिए, और यूज़ करने से आप ही बता पाएंगे कि इसमें और बाकी ब्रांड्स में क्या फ़र्क है, क्योंकि हम जिस पर काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं एक ऐसे पैड्स पे जो बहनों को सुरक्षित कर सकें, और आई थिंक उसमें से सबसे अच्छा जो है ये वी पैड है। वी पैड देखिए एक कॉटन बेस्ड पैड है और इसके अंदर ऑर्गेनिक जेल है, और ये एक ऐसा पैड है जो सारा दिन आपको सूखा रखेगा, आपको कंफर्टेबल लगेगा, और बहुत ज़रूरी है जब महीना आता है, सारा दिन जो हमारी बहनें हैं वो बहुत गीलेपन से बहुत परेशान होती हैं, और उस गीलेपन की वजह से उनको बहुत सारी बीमारियाँ, रैशेज, इचिंग, इस तरीके की बीमारियों का वो शिकार होती हैं। अगर आप शायद सूखा रखेंगे अपने आप को, तो बहुत ही कंफर्टेबल भी फील होगा, और दिन भर जो आप अपनी ड्यूटीज़ पूरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो सारा दिन आप कंफर्टेबल रहेंगे और अपना काम भी आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और दूसरी चीज़ बात होती है कि अगर मार्केट से हम कंपेयर करें इसको, तो ये मार्केट के प्रोडक्ट से शायद आपको सस्ता ही लगेगा। जी,
किसी भी ब्रांड को मैं ये नहीं कहूँगी कि वो गलत है या वो ख़राब है, आप जो भी यूज़ करते हैं, अगर आप एक बार वी पैड पहले तो कहते हैं पहले इस्तेमाल करिए फिर विश्वास करिए, हमारा भी यही मिशन है, पहले आप इस्तेमाल करिए फिर विश्वास कीजिए। आप देखिए कि दिन भर आप जो मिनिमम बाज़ार के पैड्स हैं वो हम 3 से 4 मिनिमम दिन में यूज़ कर लेते हैं, और हमारे वाला जो वी पैड है मुझे नहीं लगता कि शायद 1 या 2 से आपको ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। और जबकि मैं मानती हूँ कि डॉक्टर्स हमें राय देते हैं कि हर 3 से 4 घंटे में हमें चेंज कर लेना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर बहनें ये चेंज नहीं कर पाती हैं, वो कई बार ऐसी जगह पर होती हैं या ऐसी प्लेस में होती हैं कि उनको मौका भी नहीं मिलता या जगह भी नहीं मिलती चेंज करने की। लेकिन अगर आप वी पैड यूज़ कर रहे हैं और आप कहीं भी ऐसी जगह पर अगर आप चेंज नहीं कर पा रहे तो शायद आपको फील नहीं होगा कि आपको एमरजेंसी है या आपको चेंज करना है। ये बहुत ही कम्फर्टेबल पैड्स हैं और मैं यही बार बार कहूँगी कि आप पहले इस्तेमाल करिए उसके बाद आप विश्वास कीजिए। देखिए पहले तो मोदी जी की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। स्टार्टअप इंडिया एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो हमारे देश को एक नई दिशा की ओर लेकर जा रहा है, लोगों की सोच बदल रही है, लोगों को नए नए जरिए मिल रहे हैं और उनमें बदलाव आ रहा है, तो बहुत बड़ा शेयर इसका जाता है हमारे मोदी जी को। देखिए हमारा मिशन है हर बहन बेटी को स्वस्थ करना, हम हर घर तक इसको पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, हज़ारों बहनें इसको यूज़ करती हैं, अभी आगे का मिशन है लाखों बहनों का, और फिर धीरे धीरे हम और मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे कि बहनें ज़्यादा से ज़्यादा इसको पसंद करें और उसको यूज़ करें, इस्तेमाल करें और स्वस्थ रहें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो स्वस्थ रहें महीने के दौरान, ये हमारा मिशन है।